मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज़ योर मैथ्स क्लास आज हम एच सी एफ एंड एल सी एम चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे एक्सरसाइज एट पॉइंट फाइव स्टार्ट करने से पहले सम इम्पॉर्टेंट ट्रुथ कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रुथ हमें पता होना बहुत ज़रूरी है इसके बेस पे ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं देखिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा फर्स्ट पॉइंट है एच सी एफ़ मल्टीप्लाई एल्सीम ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है एच सी एफ मल्टीप्लाई एल्सीय किसके इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर अगर मैं इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर एंड में क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखिए अगर मैं थ्री मल्टीप्लाई फाइव कर दू थ्री और फाइव दो फैक्टर हैं थ्री और फाइव को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा फिफ्टीन तो फिफ्टीन क्या थ्री मान लो फर्स्ट नंबर है फाइव सेकेंड नंबर है थ्री और फाइव को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा फिफ्टीन और फिफ्टीन को मैं क्या कह सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या कह सकती हूँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट क्या होता है जब दो फैक्टर्स को मल्टी कर दिया जाता है जो जो आंसर हमारे पास एंड में आता है उसको क्या कहते हैं फैक्ट प्रोडक्ट क्या कहते हैं प्रोडक्ट देखिए एच सी एफ मल्टीप्लाई एल्सी एम इक्वल है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर नेक्स्ट वन इज अगर मुझे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना एल सी एम ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालूंगी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल कर आया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या निकल कर आया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एल मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या बचा एच सी एफ एच सी एफ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा डिवाइड में कहाँ आ जाएगा डिवाइड में ठीक है एल सी एम ऑफ टू नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ डिवाइड बाय एचसीएफ थर्ड वन इज एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ फाइंड आउट करना है टू नंबर का पहले में क्या फाइंड आउट करना था एलसीएम अब क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर भी सेम निकलेगा एलसीएम की तरह ही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये टू नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल कर आया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अब मुझे एल नहीं एच सी एफ फाइंड आउट करना है एच सी एफ तो यहीं का यहीं आ जाएगा जो बचा हुआ एल सी एम ए मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा कहाँ आ जाएगा डिवाइड में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एल सी एम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एल सी एम फोर्थ वन इज़ एनी वन नंबर अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक नंबर निकालना हो सपोज करो मुझे फर्स्ट नंबर ही फाइंड आउट करना है या सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है या सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है इसमें से मुझे फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी तो जो नंबर मुझे फाइंड आउट करना है मान लो मुझे वन नंबर फाइंड आउट करना है मतलब फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट नंबर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम ये मल्टी देखो फर्स्ट नंबर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो यहाँ पे रह जाएगा एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में सेकेंड नंबर है वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में कहाँ आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम डिवाइड बाई अदर नंबर एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम डिवाइड बाय अदर नंबर इस तरह से ये आपको सम इम्पॉर्टेंट टू थी अच्छे से माइंड में होने बहुत ज़रूरी हैं तभी हम एट पॉइंट फाइव कर पाएंगे देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको कराती हूँ इसे कुछ तो क्लियर होगा आई होप एग्ज़ाम्पल है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ फोर्टी एट मतलब दो नंबर का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है टू नंबर का क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट मतलब ये टू नंबर हैं इनको प्रोडक्ट कर कर दे दिया है ठीक है इन टू नंबर का क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ फोर्टी एट एंड देयर एच सी एफ इज़ फोर अगर उनका एच सी एफ़ क्या है फोर तो हमें क्या फाइंड आउट करना है एल सी एम एल सी एम ऑफ़ टू नंबर क्या फ़ाइंड आउट करना है एल सी एम ऑफ टू नंबर एल सी एम कैसे फ़ाइंड आउट होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई एच सी एफ़ डिवाइड बाई एच एफ ऐसे भी लिख सकते हैं और हम डिवाइड बाई एच सी एफ़ या नीचे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर डिवाइड बाई एच सी एफ़ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या है फोर्टी एट फोर्टी एट डिवाइड बाई फोर फोर्टी एट को फ़ोर से डिवाइड करो फोर के टेबल में फोर्टी एट आता है कैसे डिवाइड करोगे देखो अगर फोर्टी एट को फोर से डिवाइड करते है, तो आंसर ट्वेल्व आते देखो फोर वन जा फोर और पीछे क्या बचा एट फोर के टेबल में एट कहाँ आता है फोर टू जाट आप इसको डिवाइड कर कर भी देखोगे तो आंसर क्या आएगा ट्वेल्व तो रिक्वायर्ड एल्सियम क्या फाइंड आउट हुआ ट्वेल्व इसी तरह से हम एट पॉइंट फाइव के सम्स करेंगे इससे पहले आपको सम इम्पॉर्टेंट ट्रुक्ट अच्छे से माइंड में रखनी है और उनको रिवाइज भी करना अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है थैंक यू हैव अ नाइस डे